ठीक है, हाइड्रल पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सारे अगर आपके डायग्राम बनाना है और इससे समझाना है। ठीक, ये क्या बताता है आपको कि किस तरीके से आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क करता है। मतलब हम जो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम से पर टर्बाइन चलती है, टर्बाइन से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी हमको ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो बनता कैसे, किस तरीके से बनाते हैं, उसका पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसी होती है, वो सारी चीज देख लीजिए। तो सबसे पहले एक होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब ये होता है कि आपका पानी कहीं पर इकट्ठा होना चाहिए, भाई बरसात हुआ, आपका नदी है, सबका पानी कहीं पर क्या हुआ, आपका इकट्ठा हो जाए, जहाँ पर पानी स्टोर होता है क्या बोला जाता है आपका रिजर्वायर। अरे डैम क्या है, जो साइड में वॉल क्रिएट कर देते हैं हम चार तरफ से, वो क्या होता है आपका डैम। ठीक है, तो डैम के जस्ट पीछे क्या होगा आपका रिजर्वायर, जिससे पूरा पूरा पानी आपका कलेक्ट रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पानी को अपने प्लांट के टर्बाइन तक लाने के लिए किसी पाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको पाइप का बोलकर क्या बोलते हैं, पेन स्टॉप। ठीक है, क्या बोल सकते हो, पेन स्टॉप। पेन स्टॉप इनपुट इस पानी को जिसके हेड से हम नीचे लेकर आएंगे, तो आपका डैम ऊपर दिखाई दे रहा है, आपका टर्बाइन नीचे लगा हुआ है। तो सीधे से बात, यहाँ से वो हाई वेलोसिटी से हाई प्रेशर के साथ एक बार टर्बाइन क्या करेगी, वो रोटेट करेगी। ठीक है, अपने टर्बाइन को घुमाएगी। किस तरीके से होगा आपका, कि जैसे ही पानी आपका डैम के पेनस्टॉप से बाहर आता है, सबसे पहले क्या मिलता है उसको गेट, क्या मिला आपका गेट। इस गेट को ओपन करोगे तभी पानी क्या होगा आगे जाएगा, तब पानी आपको यहीं पर रहेगा। हमने इसको ओपन किया, यहाँ तक क्या लगा हुआ है बॉल। ठीक है, बॉल लगा, बॉल बंद है आपका, पानी यहीं तक आएगा, आगे नहीं आएगा। और यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है सर्च टैंक। अब इसके दो काम, एक तो क्या करता है कि जब ये बॉल बंद है तो पानी यहाँ ऊपर चढ़ने स्टार्ट करेगा, पानी भर जाएगा। अब तक यहाँ से भी पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी भरा हुआ है, इस पाइप का पानी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो और तेज गति से भागेगा आगे, और आपका क्या होगा वहाँ पर टर्बाइन अच्छे से रोटेट करेगा। दूसरा काम ये है कि एक्सेस वाटर को क्या करता है, स्टोर करके भी रखा हुआ है। जब आपके यहाँ पर पानी कम हो तो आप यहाँ से हेड को यूज कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में जब इसका हेड डाउन हो जाए, प्रेशर कम हो रहा है, आप यहाँ से इस पानी को यूज कर सकते हो। ये भी क्या करेगा, जब नॉर्मली यहाँ से पानी आ रहा है तो पानी तो आएगा ही नहीं, रुक जाएगा ना आपका, या उसको बाद में यूज कर सकते हो। जैसे बॉल ओपन करे, यहाँ पर क्या लगा रखा है हमने नोजल। नोजल क्यों लगाएंगे हम, ताकि जो आपका पानी का जेट निकले उसकी वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या लगाया है वहाँ पर, नोजल लगाया है। और नोजल के बाहर जो पानी निकले उसको क्या बोला जाता है, जेट। और ये जेट जैसे ही आपके टर्बाइन की ब्लेड पर टकराएगा, जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पर ट्रांसमिट हो जाएगी, आपके ब्लेड पर ट्रांसमिट होगी। और वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। जैसे वो घूमना स्टार्ट करेगा, जब पानी इस पर आया, इसकी ब्लेड पर टकराया, और वो पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पर हम लगा करके ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, इससे आउटलेट एरिया हम बड़ा रखते हैं। बड़ा रखने का ये रीजन है, जब इसे पानी आ रहा है तुरंत पानी से टकरा कर नीचे बाहर जल्दी से निकल जाए, वरना क्या होगा वो उसी पर टकरा पानी भरता जाएगा, तो बैक प्रेशर क्रिएट होगा, आपके ब्लेड टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ब्लेड आपका टूट भी सकता है, इसी जगह इसे एरिया ज्यादा रखते हैं कि पानी यहाँ पर जैसे ब्लेड से टकराया, यहाँ पर आके वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ जैसे टर्बाइन घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पर लगा हुआ है आपका ये शाफ्ट। ठीक है, ये क्या लगा है आपका शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट भी क्या करेगा, इसके साथ घूमेगा, और जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर क्या लगा रखा है जनरेटर। जनरेटर पे आपका, अब देखो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई, सबसे पहले डैम में पानी आपका भरा हुआ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी दिन हो जाती, जैसे ही गेट को खोला और पानी नीचे आया तो मोशन आगे काइनेटिक एनर्जी की गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। जब वो गति ऊर्जा आपका नोजल से बाहर निकलकर टर्बाइन पर टकराया, टर्बाइन घूमना स्टार्ट किया, तो वो गति ऊर्जा किसे बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी काइनेटिक एनर्जी किसे बदल गया, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी ये भी घूम रहा है, ये शाफ्ट भी क्या बना है रोटेट कर रहा है, जब ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर्स के स्थान पर चली जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन पर चली जाएगी, जहाँ पर इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पर भेजा जाएगा, उसके बाद आपके घर में सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा पूरा पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है इसका, हाइड्रो पावर स्टेशन का। सबसे पहले आपको रिजर्वायर और डैम क्रिएट करने हैं, वहां पे पेन स्टॉप लगाने हैं, गेट ओपन करोगे तो पानी नीचे आएगा, और यहाँ पर जो सर्च टैंक है वो एसएस वाटर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, प्लस प्रेशर को बढ़ाने का भी काम करता है। जैसे आप वॉल ओपन करोगे सामने आपको नोजल दिखाई देगा, नोजल क्या करेगा उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। देखो हाई
वाली स्ट्रीम आएगी आपकी, इसको हम जेट बोलते हैं। तो वो जेट क्या करेगा, आपका जितनी भी उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन पर टकराएगा, किसमें क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी जब आपके साथ घुमाएगी तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर पर किसमें क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको कहां पर भेजेंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स पे, और यहां के बाद वो कहां पर जाएगा, आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर, जहां पर वो वहां पे उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको कहां भेज दिया जाएगा, घूम सकते। क्लियर सभी को?